नमस्कार, इसी तो है मैं, फिर आपका स्वागत है। पीपीएफ पे जो हमने भी इससे पहले एपिसोड बनाया, तो उसमें हमने पीपीएफ की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, जो कि जरूरी जानकारियां हैं, वो आपसे शेयर की थी। और हमने यह भी कहा था कि पीपीएफ के जो भी फायदे हैं, किस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से, इसके बारे में बताऊंगा। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि पीपीएफ अकाउंट से मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है। 15 साल का लॉकिंग पीरियड है, हालांकि 5-5 साल करके उस ब्लॉक 5-5 साल के ब्लॉक में आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो पीपीएफ लेने के पहले हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम अपने लंबी अवधि के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए ही ये लें। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कुछ कुछ प्लान है, उनकी शादी के लिए प्लान है, या अपने रिटायरमेंट के लिए आप कुछ प्लान करना चाहते हो, तो पीपीएफ सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब होता यह है कि साल के अंत में जब लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने लगते हैं और उनको लगता है कि कुछ पैसा अभी बचत के लिए बाकी है, तो फिर वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। आप एक प्लानिंग के साथ पीपीएफ में बचत करिए। मैक्सिमम 1.5 लाख की जो लिमिट है, तो हो सके तो मैक्सिमम बचत करिए, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ पीपीएफ में 5 का फंडा। 5 तारीख पीपीएफ अकाउंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 तारीख को हर महीने पीपीएफ में आपकी जितनी भी जमा राशि है उस पर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो यदि आप पीपीएफ में हर मंथ कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं या कभी भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 5 तारीख से पहले आप ऐसा कर दें। पीपीएफ से करोड़पति कैसे बने, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें छोटा इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि में आपको करोड़पति बना सकता है। देखिए कि 15 साल तक आपको पैसा जमा करना मैंडेटरी है। 15 साल के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में आप चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं, या नहीं तो केवल खाता चालू रखते उस पर ब्याज ले सकते हैं। तो जो लोग अभी युवा हैं, अभी करियर की शुरुआत हुई है जिन लोगों की, वो चाहें तो एक छोटे अमाउंट के साथ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और एक लंबे अवधि में वह करोड़पति बन सकते हैं। अब देखिए, करोड़पति बनने के लिए तो सब हर आदमी चाहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितने साल तक अपने अकाउंट को जारी रखते हैं। तो अगर कोई युवा वर्ग जो कि करियर की शुरुआत में है, वो सोच रहा है कि वो 30 या 35 साल तक इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसे ज़रूर करना चाहिए। अगर वो केवल 4585 रुपये, मतलब मैं ये कैलकुलेशन इस आधार पर कह रहा हूँ कि अभी 7.9% का ब्याज दर है, 8% के तो के लगभग ब्याज दर रहती है आमतौर पे, तो आप अगर 4500 रुपये करीब बचत करते हैं हर महीने और 35 साल तक करते हैं, तो आपकी रकम 1 करोड़ हो जाएगी। यदि ब्याज दर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो रकम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 8% के आसपास ब्याज दर रहती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। देखिए, आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। अगर ये ऐसा हो कि आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा कर रहे हैं, यानी कि करीब 12,500 रुपये महीने का, तो आप केवल 23 साल में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वहाँ एक है कि आपको पैसा 25 साल पे ही मिलेगा, क्योंकि 15 साल के बाद आपको फिर 5-5 साल के लिए के ब्लॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 23 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे और 25 साल में जब आप अपना रिटर्न वापस लेंगे, इन्वेस्टमेंट आपका वापस आएगा, तो करोड़ से कुछ ज़्यादा ही रकम आपके हाथ में रहेगी। अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप 15 साल तक लगातार निवेश करें और फिर अपने पैसे पे केवल ब्याज कमाएं, तो वो भी ठीक है। आपको करीब 6300 रुपये, 6270-72 रुपये 15 साल तक लगाना पड़ेगा। 15 साल के बाद आपका जो है अमाउंट, वो करीब 21,85,000-87,000 के आसपास आएगी। फिर आप उस अमाउंट को अगर 20 साल के लिए, मतलब 5-5 साल के 4 ब्लॉक के लिए छोड़ देते हैं, तो वो रकम आसानी से आपको 1 करोड़ रुपए बन जाएगी।
लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, एक अपनी रकम का चुनाव करें और आप करोड़पति बनने का सपना आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी योजना है। लेकिन हम बात करें उन लोगों की जो मान लीजिए जो इतना हर महीने इतनी बचत नहीं कर सकते, उनके पास वो इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो 12,000 या 10,000 रुपये हर महीने बचा सकें। तो एक उदाहरण के तौर पर हम ये समझे कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि केवल 2,000 रुपये महीने का सेव कर सकता है और 15 साल तक वो सेविंग में डालता है, तो 15 साल में उसने दिए कितने, करीब 3,60,000 रुपये, और उसको वापस मिलेगी रकम कितनी, 7 लाख रुपए। तो यहाँ भी आपको की रकम दुगनी होकर के आपको वापस मिल रही है। तो PPF को लेकर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसमें खाता जरूर खुलवाइए। PPF के अलावा भी कई योजनाएं हैं जो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती हैं। सरकारी योजनाएं भी हैं, निवेश के कई प्लान्स हैं, कई रणनीतियां हैं जिनको बारीकी से समझना पड़ता है। तो ऐसी और योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के मैं आता रहूँगा। तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को पसंद करिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।